हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन वाक्य में दो दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्ची बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे और या परंतु फिर तो किंतु इत्यादि उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक जुड़े होते हैं, जैसे इसलिए और या परंतु फिर तो किंतु या अन्य शब्द हो सकते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उदाहरण। संयुक्त वाक्य के उदाहरण, पहला है वह व्यक्ति बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो। वह व्यक्ति बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो। दूसरा है रेल आई और चली गई परंतु नहीं बैठ सका। पहला उदाहरण है वह व्यक्ति बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो।
यहाँ पे अतः है संयुक्त वाक्य, रेल आई और चली गई परंतु नहीं बैठ सका। यहाँ पे परंतु एक संयुक्त वाक्य आया है।